मित्रों, धारा 370 और 35 से हटने के बाद चर्चा में रहा जम्मू और कश्मीर। आइए जानते हैं इसके मुख्य तथ्य। यहाँ पर धारा 370 हटने के बाद थोड़ा सा बदलाव तो हुआ है, लेकिन वहाँ का धर्म, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के वन, राष्ट्रीय उद्यान, भाषाएँ, पड़ोसी राज्य, पशु यानी कि राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय फूल और राजकीय नृत्य, ये सभी सभ्यताएँ ना बदली हैं और ना बदलेंगी। तो जो बदला है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, इसलिए इन्हें आप ज़रूर देखें और आगे बढ़ते रहें। चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ का कुछ राजकीय माहौल क्या है, जो कि आपके अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के शुरू करते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो धर्म है वो क्या है। सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध और जैन, यानी कि इतने धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं। सिख लोग भी रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध और जैन। जम्मू कश्मीर में जो नदियाँ बहती हैं उनमें है गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, राम गंगा, आसन बैराज आदि। मतलब समझिएगा, यहाँ पर गंगा जी को ही कई नाम से जाना जाता है। ये जो आप ढेर सारा नाम सुन रहे हो ना, इसमें कई नाम तो गंगा जी का ही है। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान, वन एवं राष्ट्रीय उद्यान जो है उनमें चिनाब, झेलम, सिंधु, जास्कर, सुरू, नुब्रा, श्योक। भाषाएं जो हैं वहाँ की क्या हैं, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी, डोगरी, कश्मीरी, बाल्टी, लद्दाखी, पुरीग, गुर्जी, दादरी। जम्मू कश्मीर का जो पड़ोसी राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी, माफ़ करिएगा, पशु, राजकीय पशु है हंगुल। हंगुल पक्षी आपने देखा है? कमेंट करके बताइएगा, दिखा देंगे। राजकीय जो पशु है हंगुल है, राजकीय पक्षी है क्रेन, काली गर्दन वाला। क्रेन मतलब जानते हो, सारस। क्रेन मतलब वो जैसे भी नहीं। राजकीय वृक्ष है चिनार, राजकीय फूल है कमल, राजकीय नृत्य है दुमहला, और वहाँ का कोई राजकीय खेल नहीं है। नेट राज्य घरेलू उत्पादन जो है USD में वो आपके सामने है 37,496 2011 के मुताबिक। साक्षरता दर जो है जम्मू कश्मीर की 2011 के मुताबिक, यानी कि आज से 8 साल पहले, वो 67.60% थी। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 883 थी। सदन व्यवस्था जो थी द्विसदनीय थी, लेकिन अब इसमें ये कुछ बदला होगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो थे 87, विधान परिषद के सीटें 36, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6, राज्यसभा की सीटें 4। देखिए दोस्तों, ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये प्रेजेंट टाइम के लिए हो सकता है मान्य ना हो, क्योंकि वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र का शासन है। बाकी कुछ दिन बाद फिर से सामान्य हो जाएगा, सब कुछ वही हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई सुझाव है, आपको लग रहा है कि कुछ इसमें बदला हुआ है और भी जो कि हमें दिखाना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसे ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ और भी जानकारी आपको शेयर कर देता हूँ। राज्य, माफ़ करिएगा, अभी राज्य नहीं रह गया, प्रेजेंट टाइम 2019 में जुलाई अगस्त के महीने में ये हो चुका है क्या, केंद्र शासित प्रदेश। वहाँ के राज्यपाल इस समय सत्यपाल मलिक हैं। मुख्यमंत्री के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी समय केंद्र का शासन है। उप मुख्यमंत्री वगैरह की बात छोड़ ही दीजिए। आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर jk.gov.in/jammu-kashmir। जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई थी 1947 में, जिस समय हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 15/8 को आज़ाद हुआ, और 26/10 को जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई। इसकी कहानी और भी बहुत बड़ी है कि जम्मू कश्मीर कैसे आया। जम्मू कश्मीर ना तो भारत का था ना तो पाकिस्तान का था। जम्मू कश्मीर पर एक राजा राज करते थे और उन्होंने फिर कुछ प्रॉब्लम के चलते जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने का निश्चय किया था, और फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया, और फिर उधर बेवकूफ़ भाई पाकिस्तान भी लड़ाई करने लगा, और फिर ये मामला बढ़ता गया। ये सब क्या है, पूरी बातें इनको हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। वहाँ की जो जनसंख्या है वो आपके सामने आ चुकी है, इसको आप ज़रा ध्यान से देखिए, पढ़िए एक एक गिनती मिला करके, और आप जान जाएंगे जम्मू कश्मीर की जनसंख्या कितनी है। जम्मू कश्मीर की अगर जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक 12,54,1,302 ये वहाँ की टोटल जनसंख्या थी।
समझ में आया ना। अरे ऐसे गिन लो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,00,000, 10,00,00,000, करोड़, 12 करोड़, 54,000, सॉरी माफ करिएगा, 54,00,00,000, 1,302। अगर वहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो इसको भी गिन लो ऐसे मिला करके, 66,00,000। हाँ जी, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,00,000, 10,00,00,000, 66,00,00,000, 40,662। कुछ लोगों को गिनने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस नंबर को, मुझे मालूम है, और वही यहाँ पर आप देख भी रहे हो। इसको कैसे करोगे? महिलाओं की जनसंख्या, जैसे कि वहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या 66,00,000 है, तो महिलाओं की जनसंख्या सिंपल सी बात है पुरुषों से कम रहेगी, तो ये 59,640 है। शहरी जनसंख्या NA नॉन, जिलों की संख्या है 22, राजधानी सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में श्रीनगर। वाह कमाल की बात है। उच्च न्यायालय जम्मू एंड कश्मीर, हाई कोर्ट श्रीनगर, अब ये नहीं रह गया है और ना ही होगा कभी, इसका खात्मा हो चुका है। उच्च न्यायालय जो है वो भारत देश का सुप्रीम कोर्ट, वही जम्मू कश्मीर का भी उच्च न्यायालय होगा। जनसंख्या में स्थान, भारत का 19वां स्थान था 2011 के मुताबिक, क्षेत्रफल में भारत का 14वां स्थान था, और बाकी तो आप लोग जानते ही हो। चलते हैं फिलहाल, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। इस वीडियो को मित्रों में अवश्य शेयर करिएगा, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइएगा। चलते चलते आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का अभी तक झंडा अलग होता था, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग होता था, जम्मू कश्मीर का सारा नियम कानून अलग होता था, जम्मू कश्मीर में भारत के उच्च न्यायालय यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य नहीं होता था, जम्मू कश्मीर के संविधान पर या जम्मू कश्मीर के नियम कानून पर भारत का राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता था। दूसरा नंबर, अगर भारत देश में आपातकाल लगता है तो जम्मू कश्मीर आप में आपातकाल नहीं लग सकता था। जम्मू कश्मीर में अगर कोई अपने प्यारे तिरंगे का अपमान करता है तो वहाँ पर अपमान नहीं माना जाता था। ये सारी विडंबनाएँ थी धारा 370 की वजह से, जिसे अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, नहीं माफ़ करिएगा, ख़त्म नहीं किया है। बहुत से लोगों के मन में विचार आता है कि धारा 370 ख़त्म हो गई है, तो ख़त्म नहीं हुई है। 370 के तीन पार्ट थे जिसमें से दो पार्ट हटा दिया गया जो कि खराब थे, मतलब गड़बड़ थे। उसमें का पहला पार्ट जो था वो सही था, पहले पार्ट में प्रावधान किया गया था कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग होगा और भारत का जो राष्ट्रपति जी हैं वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को जम्मू कश्मीर में लागू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वहाँ की उनकी राज्य सरकार जो है जम्मू कश्मीर की वो सपोर्ट करनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर की जो राज्य सरकार है महबूबा जी, वो तो बगावत कर रही थी, उन्होंने तो सपोर्ट किया नहीं, लेकिन वहाँ राज्यपाल शासन लागू होने की वजह से मलिक जी ने पूरा सपोर्ट किया और फिर वहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो है नियम और संविधान कानून सब बदल चुका है। तो चलते हैं फिलहाल, आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता दीजिएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दें। चलते चलते अगर आप लोग देख ही रहे हैं तो सुन लीजिए, बहुत ही काम की खबर है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। 35A के अंतर्गत ये नियम कानून प्रावधान किया गया था कि धारा 35A के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको दूसरे राज्य वाले कभी नहीं खरीद सकते थे। दूसरा नंबर, सबसे बड़ी विडंबना ये थी 370 के अंतर्गत कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई भी लड़की, जम्मू कश्मीर की एनी गर्ल्स किसी इंडिया के, मतलब इंडिया के किसी भी राज्य, जैसे राज्यों में आप ले लीजिए यूपी, बिहार, केरल, कर्नाटक, कोई भी राज्य से अगर किसी लड़के से शादी कर लेती थी, वो ब्याह कर लेती थी, तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता ख़त्म कर दी जाती थी। अब आप लोगों को नागरिकता के बारे में कन्फ्यूजन होगा, तो अभी तक जम्मू कश्मीर की दो नागरिकता होती थी, वहाँ पर जो लोग रहते थे उनको दो नागरिकता मिलती थी, डबल सिटीजनशिप मिलती थी। पहला नंबर तो वो जम्मू कश्मीर के नागरिक होते थे, ऐसा उनको नागरिकता दी जाती थी बकायदे कानूनी तौर पर। दूसरा नंबर, वो भारत के नागरिक भी बन जाते थे, मजबूरी में बनते थे भारत के नागरिक। और सबसे बड़ी विडंबना ये भी थी कि जम्मू कश्मीर की लड़की अगर किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी कर लेती थी तो वो पाकिस्तानी भारत का नागरिक बन जाता था, उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता स्वतः मिल जाती थी। और एक बात सुनिएगा, सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जम्मू कश्मीर का अगर कोई मेल पर्सन यानी कि कोई बॉयज अगर इंडिया के किसी दूसरे लड़की से शादी कर लेता, मतलब किसी और राज्य की, तो उसको अलाउ ही नहीं था, वो किसी और दूसरे राज्य की लड़की से शादी नहीं कर सकता था। तो ये बहुत सारी कुप्रथाएँ थी जम्मू कश्मीर में जो कि एक नासूर बन चुकी थी, और इस नासूर को अब उखाड़ कर फेंक दिया गया है। अब वहाँ पर बिल्कुल अमन चैन का सांस ले रहे हैं लोग, और वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो बच्चे थे, उनको मजबूर किया जाता था गलत कार्य करने के लिए, ऐसा न्यूज रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है, उसे आप देख लीजिए।
तो उम्मीद करते हैं कि अब सब कुछ सही होगा और इन्हीं बातों के साथ अमन चैन के साथ सभी जाति और समुदाय के लोग मिलजुल कर रहे हैं, हमारी यही अपील होगी। क्योंकि भारत देश में आप जानते हैं कि चार भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब चारों भाई भाई। सुना होगा आपने, अगर ये करेंगे तो दूसरे किसी विदेशी मुल्क की क्या मजाल की जो आँख उठाकर देख सके। आपने सुना होगा ना उसको, तो गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को, सुना है कि नहीं। तो बस चलते हैं, फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करके जाइएगा।